आज के समय में साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, ऐसी ऐसी तरक्की हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। मेडिकल वर्ल्ड में ऐसी ऐसी दवाइयां आ गई हैं जो चुटकियों में हर बीमारी को ठीक कर सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसी खबर पता लगे कि लोग एक कीड़े से अपनी आंख चटवा कर अपनी आंखों की रोशनी तेज कर रहे हैं तो आपको क्या लगेगा? यकीनन आपका दिमाग भरना जाएगा। तो आज आपको इसी खबर के बारे में बताएंगे। देख रहे हैं आप अजब गजब, मेरा नाम है मेघा, स्वागत आप सभी का इस मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग टॉपिक में। दोस्तों आज के टाइम पे ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज पहले तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज पॉसिबल है। पहले आंखों की रोशनी कम होने पर इंसान कई तरह के फल और सब्जियां खाकर रोशनी बढ़ा लेता था। इसके बाद कई और तरीके आए, जैसे दवाइयां आई, फिर आई ड्रॉप्स आए जिन्हें आंखों में डालकर आंखों की परेशानी और आंखों की रोशनी को बढ़ाया गया, और इनसे आंखों की रोशनी तेज भी होती है। लेकिन अब मार्केट में एक अजीब ही तरीका आ गया है और ये तरीका लोग एक दूसरे को शेयर भी कर रहे हैं। एक महिला ने अपने आईसाइट को तेज करने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर करा है, और जैसे ही ये तरीका सामने आया ये वायरल हो गया, और होना भी जरूरी था क्योंकि इसमें कीड़ों का इस्तेमाल करा गया था। इस वीडियो में महिला बिना किसी दवा के अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाती दिख रही है, और जिस तरीके से वो बढ़ा रही है वो वाकई में अनोखा है। और लोगों ने जब ये तरीका देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि महिला कीड़ों को अपनी आंखें चटवा कर अपना इलाज करवा रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी, इलाज की इस प्रक्रिया को गिरुदीन कहते हैं। इसमें आंखों की रोशनी को बिना किसी दवा या सर्जरी के ठीक किया जाता है। इस प्रक्रिया में लोगों की आंखों की पुतली को कीड़े चाटते हैं। अब इस महिला की बात कर ले, इसका आंख का नंबर पहले -3.75 था, लेकिन जब ये कीड़ों से अपनी आंखें चटवा लेती है इसके बाद इसकी आंख का विजन 1.25 हो गया। वेल, इस प्रक्रिया से गुजरने से पहले मरीज को अच्छे से एग्जामिन किया जाता है। ये भी देखा जाता है कि इस प्रक्रिया में जब कीड़े उसकी आंखों को चाटेंगे तो उस पर कोई नेगेटिव असर तो नहीं होगा। जब मरीज उस टेस्ट में पास हो जाता है फिर उससे लिटाकर उसकी आंखों के पास कीड़े रख दिए जाते हैं। ये कीड़े धीरे धीरे उसकी पुतलियों को चाटते हैं और उसकी रोशनी को बढ़ा देते हैं। ऐसा माना जाता है इस गिरुदीन प्रक्रिया में कीड़े आंख में ऐसे लिक्विड छोड़ते हैं जो रोशनी को बढ़ाने का काम करते हैं। वैसे ये प्रक्रिया देखकर तो घिन तो आ ही रही है। अब जरा सोचिए, जो ये प्रक्रिया करवा रहा होगा उसके माइंड में क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी। भाई हमारे हिसाब से तो इन कीड़ों से आंखें चटवाने से अच्छा है आप सर्जरी या दवाई खाकर भी ऐसा कर सकते हैं, या दूसरी खाने की चीज़ें खाकर भी आप अपनी आंखें रोशनी बढ़ा सकते हैं। वेल, ये तो हमारी राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आप कीड़ों से अपनी आंखें चटवाएंगे या फिर दूसरे तरीके अपनाएंगे? हजब गजब देख रहे थे आप।